2 रुपए का तिरंगा मिलता है जी, झंडा इतना बड़ा हो चाहे झंडा इतना बड़ा हो जी जी, मन में झंडा का महत्व वही है जी। गरीब 2 रुपए में खरीदता है, अपने मड़ई में, अपने चौखट पर, अपने दरवाजे पर लगा लेता है। आज हमारे चैनल पर मिशन के पुरोधा आदरणीय राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर्वप्रथम सर, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। नमस्कार। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर जी, मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक योजना फिर लाए हैं, अमृत महोत्सव मनाने वाले, आज़ादी के अमृत महोत्सव। अच्छा। जो सर, जो राशन, जैसे जो आदमी लेते थे, सभी लोग लेते हैं राशन कार्ड से अपना राशन, तो उस हिसाब से आपको राशन, जब आप अंगूठा लगाने जाएंगे तो उसका 15 से 20 रुपया चार्ज वो मोदी जी लेंगे तिरंगे का। अच्छा। सभी भारतीयों के घर पे तिरंगा इस 15 अगस्त को लगना चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है सर? जो गरीब रहेगा वो 15-20 रुपया कहाँ से लाएगा? ऐसा ना बाबू ना जी, कहा कहीं उनके जी बनिया के खोपड़ी बड़ी मजबूत हो ले जी। वो जहाँ रहता है बनिया जी, वहाँ 10 रुपए के चक्कर में रहता है जी। राशन आपको नहीं मिलेगा जी जब आप तिरंगा नहीं लेंगे जी। तिरंगा की कीमत है 25 रुपया जी। भारत की आबादी है 130 करोड़ जी। इस पर ख्याल करिए, 25 रुपया देने वाले को दिक्कत नहीं होगी जी, लेकिन वो 25 रुपये से जी ये महोदय कमाएंगे कम से कम 50,000 करोड़ जी। 2014 से जी 2022 में इनको याद आया है कि भारत के हर घर पर तिरंगा होना चाहिए जी। इस बीच में इस 7-8 साल के अंतराल में कहाँ सो रहे थे? और जब ये नहीं कहे थे तो क्या देश में तिरंगा नहीं फहमता था? देश में तिरंगा लोग नहीं लगाते थे? लगाते थे, सभी लोग लगाते थे। जेकरे पैसा रह खी लगा ले, जेकरे ना रह वो ना लगावे, जेकरे तनिका रह तो लगा के साइकिलिये में अपने गाड़ी में लेके घूमे जी। तो ये सब लोग जानते हैं कि भारत की आज़ादी कब मिली, भारत की आज़ादी किसने दिलाया जी, भारत की आज़ादी किस मुद्दे पर मिली जी। एक माननीय मोदी जी मत बता, मैं इसको पूरा देश जान रहा है जी। बस यह हो एक चीज बता दे, यहाँ के लोग बड़े भोले भाले, सातिर लोग जो हैं, इन भोले भाले लोगों को जी ऐसा चट दे चूतिया लड्डू की तरह बना देते हैं कि ये समाज बेचारा सब पर भरोसा कर लेता है, और यही भरोसा का कारण कि ये समाज लगातार धोखा खा रहा है जी। ये जो तिरंगा फहरवा रहे हैं जी, इसमें बहुत बड़ा रोजगार का मामला है, इससे सरकार को बहुत बड़ी संपत्ति हासिल होगी जी। सरकार को जब संपत्ति हासिल होगी उससे, तो जो वर्कर होंगे उनको तो लाभ मिल सकता है सर। का मैं का वर्करन के दी हैं, जब यहाँ से पैसा लेके नीरव मोदी, विजय माल्या जी, ये कौन कौन गुजराती लेकर के जब भाग चले, तो उनका पैसा इन्होंने माफ करके महंगाई लाद दिया इस देश के मूल निवासियों पर, और जब यहाँ के लोगों का कर्जा माफ़ करना हुआ, किसानों का कर्जा माफ़ करना हुआ, तो जिसका 1 लाख था उसका माफ़ कर रहे हैं 3,500 जी। क्या कहेंगे इस पर? मैं जीता जागता प्रमाण मेरे पास है जी। मैं एक ट्रैक्टर लिया था जी, 1,65,000 रुपया जी मेरे ट्रैक्टर पर लोन था जी। माननीय जोगी जी जब बैठे तो 1,65,000 की जगह अब कैसे कैसे बैठ गई घिर्री कि 50,000 इन्होंने माफ़ किया, लेकिन 1,15,000 रुपया मैं भरा तब मुझे कर्जा से मुक्ति हुई। क्या विजय माल्या, नीरव मोदी, इनके मौसी के लड़के थे
अरबों रुपया लेके भगे यहाँ से, किसके बाप की कमाई उन्होंने माफ किया है? जी। इसी देश के दलित मजदूर दबे कुचले किसानों का पैसा इन्होंने बैंकों से माफ करवा करके उनको मुक्त कराया। अगर इतनी सरल बात को जिस देश की जनता न समझ पाए, मैं जानता हूं कि उस देश में उस जनता को भेड़ बकरा ही कहा जाता उत्तम। उसके बाद भी हर हर मोदी, घर घर मोदी, हमें मोदी से टेंशन नहीं है, लेकिन आप देश के राजा हो जी। इस देश का आवाम आपको पीएम बनाया है जी। कम से कम इस देश की आवाम के लिए आपको सोचना चाहिए। हाँ सर। लेकिन मोदी की भी मजबूरी है जी। मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने जी। प्रधानमंत्री बनाव का फैक्ट्री अलग है जी। वो फैक्ट्री से तैयार किया गया है प्रोजेक्ट कि इस देश में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला, सबसे ज़्यादा लोगों को भ्रमित करने वाला कौन सा व्यक्ति यहाँ मिलेगा? तब मोदी जी मिले, तब मोदी जी को बनाया गया जी। सर, लोग जाते हैं राशन लेने तो लोग बोलते हैं मुझे तिरंगा नहीं चाहिए, मेरे घर पे हम लोग उस तरह भी तिरंगा फहरा लेते हैं मेरे बच्चे, जैसे कि किसी के पास 25 रुपया नहीं रहेगा, वो 2 रुपया का भी तिरंगा लगा सकता है अपने घर, तो उनकी मजबूरी है। क्या कहें हम, क्या कहें आपसे, हम वही कह रहे हैं कि 2 रुपये का तिरंगा मिलता है जी, झंडा इतना बड़ा हो, चाहे झंडा इतना बड़ा जी जी, मन में झंडा का महत्व वही है जी। गरीब 2 रुपये में खरीदता है, अपने मड़ई में, अपने चौखट पर, अपने दरवाजे पर लगा लेता है जी।